आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी सहित और अनेकों राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय हमारे केंद्र सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए आए और यहां पर छत्तीसगढ़ में पूरे चुनाव प्रचार का कमान आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी संभाले हुए थे और उनका रिकॉर्ड है, जो जहां पर भी जाते हैं चुनाव जिताते हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व, पूरा प्रदेश के हमारे लाखों कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे और भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाए। इसके लिए आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, सह प्रभारी हमारे मनसुख भाई मांडविया जी, नितिन नवीन जी और हमारे जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको भी मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोगों की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख अब, शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत चुनौती है, कहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है, अब हम लोगों को बहुत मतलब इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा और फिर आप लोगों से बार बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।